नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, अगर आपने अपने मी वन डिवाइस को ओरियो में अपडेट कर लिया है तो आपको भी आप यहाँ पे नोटिफिकेशन टॉगल में दो नोटिफिकेशन ऑलवेज दिख रहा होगा। जैसे आप अगर रिमूव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरे स्टेप को फॉलो करिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों, प्ले स्टोर में चले जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ ऑटो नोटिफिकेशन वाला एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे मैं इसे इंस्टॉल कर चुका हूँ। इसका डाउनलोड लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं जस्ट यहाँ पे उसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन होने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको मीडिया एक्सेस मांगेगा। आप यहाँ पे अलाउ या डिनाई कर सकते हैं, मैं यहाँ पे इसे अलाउ कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन ब्लॉकिंग वाला ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद यहाँ पे वार्निंग आएगा, आप इसे ओके कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन एक्सेस यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो जस्ट यहाँ पे नोटिफिकेशन इंटरसेप्ट को यहाँ पे आपको अलाउ कर देना है। अलाउ हो जाने के बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको प्लस का साइन दिख रहा होगा, इस पर प्रेस करना है। और यहाँ पे फिल्टर पे आपको यहाँ पे ओ आर जी यहाँ पे टाइप कर लेना है। ओ आर जी टाइप करने के बाद यहाँ पे दोस्तों ओ आर जी डॉट कोड और अरोरा डॉट आई एम एस आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे सिम वन इस एच डी कैपेबल है, यहाँ पे आपको कैपिटल में एच डी टाइप करना है। एच डी टाइप करने के बाद यहाँ पे इसे ओके कर लेना है। ओके करने के बाद यहाँ पे इस मैसेज आएगा, इसे आप डोंट लॉग इन करके ओके कर दीजिएगा। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे ओके करिएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सिम वन एच डी कैपेबल जो आ रहा था वो अब यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब हमें रिमूव करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रनिंग टू एप्स आर रनिंग इन द बैकग्राउंड, यहाँ पे जो चल रहा है अब हमें इसे रिमूव करना है। तो दोस्तों, इसे रिमूव करने के लिए फिर से आपको यहाँ पे प्लस वाला साइन पे क्लिक करना है और यहाँ पे फिल्टर में आपको यहाँ पे सिस्टम टाइप कर लेना है। सिस्टम टाइप करने के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं एंड्रॉयड सिस्टम फर्स्ट वाला, इस पर आपको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपका देख सकते हैं रनिंग, यहाँ पे रनिंग इन द बैकग्राउंड चल रहा है, तो आपको सेम यहाँ पे रनिंग इन द बैकग्राउंड टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे फिर से ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप जैसे ही ओके करिएगा, आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पे नोटिफिकेशन आपका जो चल रहा था वो भी यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये ट्रिक आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का टेक रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।